नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज हम देखने वाले हैं आयु से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जो कि एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं, और इन प्रश्नों को हल करने के लिए एक बहुत ही आसान सा तरीका हम सीखने वाले हैं। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। प्रश्न दिया है, राम की उम्र श्याम की उम्र की दोगुनी है, यदि दोनों की उम्र का योग 14 वर्ष हो तो राम की उम्र बताओ। तो देखिए, इस प्रश्न को हम दो तरीके से कर सकते हैं। अब दोनों ही तरीका हम सीखेंगे, तब जो आपको सूटेबल लगे उससे आप प्रश्न को हल करना। देखिए, सबसे पहले क्या देखेंगे, राम और श्याम, दो ही की उम्र है राम और श्याम की। वो कह रहा है कि श्याम की उम्र की दोगुनी है, यानी कि अगर श्याम की उम्र एक है तो राम की दो है, ठीक है। और इनका योग कितना है, दोनों के योग का योग दिया है 24 वर्ष योग दिया है 24 वर्ष। और श्याम की अगर एक वर्ष है तो राम की 2 वर्ष हो जाएगी, क्योंकि इसमें कह रहा है कि राम की उम्र श्याम की उम्र की दोगुनी है, ठीक है। अगर एक गुनी इसकी है तो राम की दोगुनी है, और इनका योग कितना है 24 वर्ष। तो हम अनुपात का भी, ये अनुपात मान लेते हैं, अनुपात का भी हम योग करेंगे, क्योंकि यहाँ पर योग दिया है तो योग करेंगे, ठीक है। तो 2 और 1 हो जाएगा 3, इस 3 का है जो हम इस 24 में दे देंगे भाग, 24 में भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 24/3, तो 8 बार जाएगा, ये 8 आ जाएगा। ये जो 8 भागफल मिला है हमको, इस भागफल का जो है हम जिस राम में गुणा करेंगे तो राम की एज निकल आएगी, अगर श्याम में गुणा करेंगे तो श्याम की एज निकल आएगी। तो हमसे पूछा है यदि दोनों की उम्र का 24 वर्ष हो तो राम की उम्र बताओ। तो राम की उम्र का जो अनुपात 2 है, तो राम में करेंगे तो 2 × 8 बराबर हो जाएगा 24 वर्ष, ओ सॉरी 8 × 16 16 वर्ष, 2 है तो 8 × 16 वर्ष हो जाएगा। कितनी राम की उम्र हो जाएगी 16 वर्ष, तो 16 वर्ष हो जाएगी राम की। और अगर श्याम की आपसे पूछी जाती तो श्याम की कितनी आती, श्याम का 1:1 है तो 1 × 8 बराबर हो जाती 8 वर्ष, ठीक है। तो इस तरह से हम जो प्रश्न को हल कर सकते हैं इस तरीके से। अब दूसरा तरीका देखते हैं। देखिए, इसमें हम मान लेते हैं, माना राम की उम्र बराबर और श्याम की उम्र बराबर, मान लिया दोनों की, श्याम की अगर एक्स है तो राम की हो जाएगी 2x, क्योंकि डबल है राम की श्याम से। तो उन दोनों का योग कितना है, वो है 24 के बराबर। तो हम लिखेंगे x+2x बराबर किसके है, 24 वर्ष के बराबर है। तो इन जोड़ लेंगे ने x और 2x 3x बराबर हो गया 24। अब x हम यहाँ रखेंगे और 3 को इधर लाएंगे तो ये भाग में जाएगा, तो 24/3 हो जाएगा 3, तो ये 8 बार जाएगा, तो x का मान कितना हो गया 8। तो x बराबर आ गया 8 और राम की उम्र कितनी है 2x, तो यहाँ 2x करेंगे, 2 × x का मान 8 है, तो 8 लिखेंगे यहाँ बराबर हो जाएगा 8 × 16 वर्ष, यानी कि राम की उम्र जो कितनी आएगी 16 वर्ष। तो दोनों ही तरीके से हमने जो प्रश्न को निकाला है, आपको जो भी तरीका अच्छा लगे, जिस जो आपको सूटेबल हो उस तरीके से आप प्रश्न को हल कर सकते हैं। आइए एक प्रश्न और देखते हैं, जो कि बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। प्रश्न दिया है, 4 भाइयों की आयु का योग 56 वर्ष है, यानी कि 4 भाई हैं, उनकी आयु है, उनका योग कितना है 56 वर्ष है, इनकी आयु का अंतर क्रम से समान रूप से 4 वर्ष है, यानी कि एक अगर 1 वर्ष का है तो दूसरा 4 वर्ष का है, तीसरा 8 वर्ष का है, और चौथा भाई जो है वो 12 वर्ष का है, उनका अंतर कितना है समान रूप से 4 वर्ष का अंतर है उन सब के बीच में। तो सबसे बड़े भाई की उम्र कितनी होगी, तो देखिए मान ले सबसे छोटा भाई है ए, उससे बड़ा है बी, उससे बड़ा है सी और उससे बड़ा है डी। तो ए की आयु कितनी एक्स है, तो बी की आयु कितनी हो जाएगी x+4, ठीक है। ए की आयु एक्स है तो बी की x+4 हो जाएगी, और सी की आयु कितनी हो जाएगी x+8, 4 वर्ष का अंतर है x+8 हो जाएगी, और डी की आयु हो जाएगी x+12, ठीक है। ये तो उनकी आयु हो जाएंगी सबकी। अब इन सबको अगर हम जोड़ेंगे x और x+1 इन्हें प्लस लगा लें इनके बीच में सबके,
तो कितना हो जाएगा ये बराबर, किसके बराबर है, 56 वर्ष के, यानी कि आयु का युग कितना है, 56 वर्ष। ठीक है, 56 वर्ष है, तो इन सबको जोड़ेंगे तो क्या होगा, एक्स है 2, 3x, 4x, तो ये हो जाएगा 4x प्लस, प्लस में क्या है, 4, 8, 12, 12 दूनी 24 बराबर किसके है, 56 के, यानी 56 वर्ष के बराबर है ये। अब क्या करना है हमको, ये 4x है यहाँ आएगा और बराबर में चला जाएगा 56 के, प्लस में है तो इधर जाएगा, ये माइनस में आ जाएगा तो 24 हो जाएगा यहाँ पर। 56 में से 24 माइनस करेंगे तो कितना रह जाएगा, 6, 4, 2 और 1, 3 यहाँ रह जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा यहाँ जा कर के, 4 है यहाँ पर x के साथ तो इधर जाएगा, तो भाग में आ जाएंगे 4, ये आ गया 8 चौक 8 बार गया, 4, 8, 32, यानी कि x का मान जो आया वो कितना आ गया, 8, x बराबर हो गया 8, x का मान मिल गया हमें 8। अब बड़े भाई का कितना है, x प्लस 12, तो बड़ा भाई की जो एज होगी वो कितनी होगी, x प्लस 12 है, तो यहाँ आ जाएगी x का मान कितना है, 8 प्लस 12 बराबर हो जाएगा 20 वर्ष। बड़ा भाई जो सबसे बड़ा है वो 20 वर्ष का है और छोटा कितने का है, वो 8 वर्ष का है। ठीक है, तो इस तरह से ऐसे प्रश्नों को जो हल कर सकते हैं। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, अगर हेल्पफुल लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर करना दोस्तों। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के।